आज हमारे साथ मोहम्मद आसिफ ज्वाइन कर रहे हैं टू तो शेयर हिज टॉप टेन फास्ट बॉलिंग टिप्स सो so, आसिफ भाई विद दैट लेट्स स्टार्ट विद नंबर टेन मैन आपकी नंबर टेन टिप फास्ट बॉलर्स के लिए क्या है यार नंबर टेन टिप बेसिक होती है ना बॉल्स का पैकेट आता है

जिसमें फ्लो हो जो आपको फीलिंग आए कि हल्का बॉल है आपका कहना माने राइट सो दैट्स अ लिटिल नंबर टेन टिप फ्रॉम आसिफ भाई सो लेट्स मूव ऑन टू नंबर नाइन आसिफ भाई माय नंबर नाइन टिप क्या है फैंस के लिए नंबर नाइन बेसिक पे आ जाए कि पास बॉलर की जो बेसिक है वो है होता है रनअप रनअप जो बेसिक है उसके ऊपर पास बॉलिंग की वो लाइट चल रही है आपका रनअप अच्छा होगा आप अगर को तो कर रहे तो आप रनअप से फिफ्टी पर रनअ अच्छा रनअ रन रन अच्छा होगा जितना अच्छा रनअप होगा आपकी अगली चीजें ईजी हो जाए अगर आप रनअप में स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर बाकी चीजें तो आपके लिए डिफिकल्ट होगी ना आगे जाके वो जैसा माइकल वोल्डिंग देख के अच्छा

क्या ये आप देखिये अभी पहले बॉल या रन आपने आप क्रीज की तरफ जाना क्लोज टू द स्टंप आना है स्टम्प आना है the... जो व्हाइट ऑफ द्रीज बॉलर होते हैं क्रीज है, हो जो मिडल ऑफ द टाइम नाइन्टी परसेंट जो मिडिल ऑफ बहुत कम होते हैं जो क्लोज टू द स्टम्प क्लोज टू द स्टम्प बॉलर आते हैं उनका बॉल बैट्समैन री

is coming close to the stumps while delivering because it gives less time to the batter to, to see the ball out of the hand so let's move on to number 7 Asib. tip number 7 board the aspiring fast bowler on the spot i don't the you there yet i do the most important thing is <laughs> that your position, to position your hands your board is that you need to commit it yeah i think it's most of the board you are sitting there वाइडर अफगान से दूर है और उसके लिए आगे जाके चीज़ें मैं आपको बताऊं उससे रोल करना शुरू करना ये बहुत इम्पोर्टेंट पोजिशन बहुत है पाँच बहुत गलती क्या आप यहाँ से आ रहा है आपका हाथ यहाँ से आ रहा है यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है आई वाज स्टेप नंबर सेवन या और मोस्टली

Half an hour, a quarter of an hour earlier. You're an out-swinger. Oh, I mean, you're right. I was a bit scared. I was a bit scared. That too, my father was scared. I was scared. I was scared. I was I mean, it was mesmerizing, man, as always. So that was tip number seven by Asif bhai. You know, getting your arm right, positioning right for out-swing, in-swing, and getting close to the stump. Tip number six now, Asif bhai. I think we're on to it. Right? <laughs> Right. बायो आपके बायोमैनिक आप लंबी आपके एनजरीज बहुत ही तो उसको कैसे बेहतर करना वो भी आगे जाके हम बताएंगे तो जितने तो अच्छे मैकेनिक्स होंगे अगली थी चीजें आपके दर्शक ने पहले बोला चीजें आपको आगे चलते हैं हम लोग मगर अगली चीजें में

ये है आपका नी तो, really uh, तो उन्होंने ये बोला था यार न, ये होती जो तेज बॉल करने वाले होते हैं ना वो वो पांच साल भी अच्छी तेज बॉल करके खुश रहते हैं उनको ये नहीं होता यार पंद्रह साल अच्छा लंबा करियर बनाओ शुएब अख्तर वॉज हैप्पी बॉलिंग क्विक एट यू नो हंड्रेड माइल्स पर आवर फॉर फाइव ईयर

युवा शॉप के आगे से पिट लगनी पड़ती थी तो वो वहीं पर अपना फॉलो थ्रू कम्प्लीट क्यों करते पुराने फाल बॉल और बैट्समैन के पास जाते थे देखो इतना उनका फॉलो लंबा कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पिच को क्रॉस करते थे फॉलो थ्रू तो जो वो द अभी जो टाइम है जो भी अभी जो mostly successful hai wo follow through complete chal raha hai you can use obviously variations as well and i'm i'm sure you're going to talk a bit about that as well asif bhai ke you know variations in

आगे आगे बैट्समैन का उसका जो, जो अगर राइट ही बैट्समैन है तो उसका लेफ्ट पाव अगर पहले से उसने खोल लिया तो उसको लेंथ बॉल पिक करना बहुत इजी हो जाए अगर तो उसका पहला पाव थोड़ा सा खुला हुआ है लेफ्ट राइट ही बैट्समैन का

ap ki nazr bardsman pe ab dekri o pe and then making you know the right adjustment on your delivery you know and i think we have an example of razak Bhai. razak mai bawla chakrati ya tanga takke you know see the chakki over long on and over mid-off so reading the batsman as you're about to deliver the tip number four by Bhai on this top 10 fast bowling tips Bhai, number three let's drum roll man number three what is it

आपने उसके बल्ले की मूवमेंट देखनी है अगर आप नहीं वॉच कर देता तो आप तो अगर वो रेडी है स्पूक के लिए आपको फीलिंग आ गई है तो आप उसको ऑन कर दो तो या स्लो रन कर दो तो, ताकि वो स्पूक करे तो ताकि दूर ना जाए वो सर्कल में फिल्डर होता है तो शायद ज्यादा चास्सेज है कि उस सर्कल पर हो जाए

Read, kar batsman ko to the last minute. You have to be what The right word. Street smart, you world. Know. Yeah. Uh, street smart होना Cricket, I mean T20 cricket You यार आप थोड़ी बहुत street smartness में चीज़ें pick कर as a batsman always trying to do something either scooping, moving around the crease. Baller can have his own plans to come against. That. So that's tip number three by Asif. Bhai there is to watch the batsman until the last second and before. Knowing what you're going to deliver really, it's a tough, tough skill to execute. As if by like in, uh, you know, it's something that you did it so well, and you know, hoping you know, some of the fans or even some guys can learn some of these skills. Number two, asif bhai kya what's your number two tip? It's early on bowling, last depth of over bowling, But the two that. आपने में और में कैसे कैसे और और पोजीशन पोजीशन कब कब रहना डिफेंसिव तो जाना आप जब आप रोक क्रॉस कर रहे हो तो आपका फिगर अच्छे अच्छी हो जाएगा टी ट्वेंटी में चौबीस पच्चीस छब्बीस अंडर थर्टी रन जो चार ओवर में दो विकटे गुड लॉ भी चल रही है। तो अगर आप वही चार ओवर फिफ्टी फाइव फोर्टी फाइव पे चले गए जिस तरह से हमारे <laughs> तो सबको पता किसके बारे में आप बात कर रहे हैं भाई <laughs> <laughs> तो वो उतना बॉलिंग नहीं थी आपको तो पता होना चाहिए मैंने बचना है

it was, so, num Tip number two, there, by Asif bhai, you know, read the batsman. Make sure you guys, uh you know, deliver, you know, and and don't get it for six again. Come back, make sure it's stronger and making those adjustments. Wow. Right, Asif, bhai? yeah. So let's move on to then tip number one, man. Drum roll, number one tip by Asif by here. So what is it, Asif by tip number one? Number one, you side to bowling into.

These top 10 fast bowling tips by Muhammad Asif. And all right, guys, thank you so much for joining us for this episode. Until next time, Nabil Khan and Muhammad Asif from the Reverse Group signing off. Have a great night, everybody.